धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, महात्मा लोग बातों को समझाने के लिए अनेक कहानियां कहा करते हैं, उदाहरण दिया करते हैं। कहानी सुनने से मन थोड़ा एकाग्र होता है और बात जल्दी समझ में आती है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैं फिर सुना देता हूं। एक मूर्ति बनाने वाला था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसने एक ही धातु की, एक ही आकार प्रकार की तीन मूर्तियां बनवाई। एक ही धातु की मूर्ति, एक ही आकार प्रकार की और एक ही वजन की तीन मूर्तियां बनाई और तीनों को बेचने के लिए बाजार ले गया। मूर्तियां बड़ी सुंदर, बहुत आकर्षक, मन को मोह लेने वाली। लोगों को हुआ कि ऐसी सुंदर मूर्ति है, ये तो खरीद करके घर में रखने लायक है। तो लोगों ने उस मूर्तिकार से पूछा, भाई ये मूर्तियों की कीमत क्या है? तो मूर्तिकार ने कहा, ये जो पहली मूर्ति है इसकी कीमत 1000 रुपए है, दूसरी मूर्ति है इसकी कीमत 2000 रुपए है, और ये जो तीसरी मूर्ति है इसकी कीमत 20000 रुपए है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही आकार प्रकार की मूर्तियां, एक ही धातु की, लेकिन दाम में इतना अंतर कैसे हो गया? तीनों एक बराबर दिखाई पड़ती है तो तीनों का दाम बराबर होना चाहिए, लेकिन एक मूर्ति 1000 की, दूसरी मूर्ति 2000 की, तीसरी मूर्ति 20000 की, इतना अंतर। तो लोगों ने पूछा कि आखिर दाम में इतना अंतर क्यों हो गया, तीनों मूर्ति तो एक समान है, कारण क्या है दाम में अंतर का? तो मूर्तिकार ने कहा, अभी मैं बताता हूं क्या अंतर है, क्यों अंतर है। उन्होंने एक सलाई उठाई, समझ लो एक तिनका उठाया, और पहली मूर्ति के कान में उस तिनका को डाल दिया। तो हुआ क्या कि दाएं कान से डाला और बाएं कान से वो तिनका निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला तो दाएं कान से डाला और मुख के रास्ते से वो तिनका बाहर निकल गया। तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला तो तिनका न तो कान से बाहर निकला न मुख से बाहर निकला, किंतु अंदर पेट में चला गया, भीतर ही रह गया। तब मूर्तिकार ने कहा कि अब तो समझ में बात आई कि अंतर क्यों है। कान में डाला, कान से निकल गया, इसलिए कीमत 1000 रुपए। कान से डाला, मुंह से निकल गया, इसलिए कीमत 2000 रुपए। और कान से डाला, निकला नहीं, भीतर ही रह गया, इसलिए कीमत 20000 रुपए।
ये उदाहरण है। हम लोगों को समझना है कि हमारी कीमत कितनी है। आदमी हर किसी की कीमत आंकता है, सारी वस्तुओं की कीमत आंकने वाला, एक इसकी कीमत कम है, इसकी कीमत ज्यादा है, ये निर्णय करने वाला कौन है? आदमी ही तो है। आदमी न हो तो जानने वाला, मानने वाला, निर्णय करने वाला दूसरा और कौन होगा? जानवरों के पास आप सोना रख दो, चांदी रख दो, हीरा रख दो, नीलम पन्ने पुखराज रख दो और कंकड़ पत्थर रख दो, उसके लिए सब बराबरों सूंघ लेगा और छोड़ देगा। जानवर के पास नोट से भरे हुए बोरे आप रख दें, बोरे का बोरा नोट रख दें और बगल में पैरा रख दें, तो जानवर नोट की तरफ देखेगा तो सूंघेगा, छोड़ देगा और पैरा खा लेगा। उसके लिए पैरा मूल्यवान है, नोट मूल्यवान नहीं है, हीरा पन्ना मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वह उनकी कीमत समझता नहीं, उनका महत्व समझता नहीं, उनका उपयोग भी उसके लिए कुछ नहीं है। हीरे पन्ने पुखराज का महत्व आदमी समझता है, नोटों का महत्व आदमी समझता है, उसका उपयोग आदमी करता है, चीजों का उपयोग आदमी करता है। तो आदमी सबकी कीमत समझता है, सबकी कीमत आंकता है, अपनी कीमत नहीं आंक पाता है, अपनी कीमत नहीं समझ पाता है। जिस दिन आदमी अपनी कीमत समझने लग जाएगा उस दिन भटकेगा नहीं, भिखारी बन करके जगह जगह हाथ नहीं फैलाएगा। जिसको उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है उनके आगे हाथ जोड़ करके विनय वंदना करके भीख नहीं मांगेगा। अपनी कीमत नहीं समझता है, इसलिए आदमी दूसरों को ज्यादा महत्व देता है और स्वयं भिखारी बना रहा था। मैं कह रहा था कि तीन मूर्तियां, एक की कीमत 1000, एक की कीमत 2000, एक की कीमत 20000, कारण क्या है? एक के कान में सलाई डाली गई, वह दूसरे काम से बाहर निकल गई, दूसरे के मुंह के कान में सलाई डाली गई, वह मुख्य रास्ते से बाहर निकल गई, तीसरे की कान में सलाई डाली गई, वह अंदर ही रह गई, बाहर नहीं निकली, इसलिए तीनों के कीमत में इतना अंतर हुआ। हमें समझना होगा कि हमारी कीमत क्या है, हम किस मूर्ति के अनुसार हैं। कान से सुनकर के कान से निकाल दे रहे हैं या कान से सुनकर के मुख से निकाल रहे हैं या कान से सुनकर अपने जीवन में पचा रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, किस योग्य हम लोग हैं, अपनी अपनी कीमत हर आदमी को समझना होगा। दूसरे को न देखें। दूसरे लोग कहते हैं भैया वो बात तो बहुत बढ़िया करता है, मीठी मीठी बात करता है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई आचरण नहीं है। अपनी तरफ देखें कि अपना आचरण कितना है, क्या हमारा आचरण सही है, हमारा व्यवहार सही है, हमारा जीवन व्यवस्थित है। दूसरों को देखता है आदमी, हर समय दृष्टि दूसरे की तरफ बनी रहती है, और दूसरे को जितना ज्यादा देखोगे उतनी ज्यादा उलझन में पड़ोगे,
उतनी ज्यादा शिकायत होगी, खीज बढ़ेगी, क्रोध आएगा, दुख का अनुभव होता रहेगा। अपने को देखें, और देखने का मतलब क्या है? गलत का त्याग, अच्छाई का ग्रहण। जैसे हम सांप को देखते हैं, बिच्छू को देखते हैं, लेकिन देख करके क्या करते हैं? उठा करके अपने हाथ में रख लेते हैं या जेब में डाल लेते हैं क्या? देख लेते हैं ये सांप है, बिच्छू है, उनसे दूर भागते हैं, छूते नहीं हैं, दूर भागते हैं उनसे। क्या हम लोग अपने दोषों को इसी प्रकार से देख पाते हैं? अपनी गलतियों को इसी प्रकार से देख पाते हैं? कहां देखते हैं? इसी प्रकार से हम अपनी गलतियों को, दोषों को देख पाते तो उनसे दूर भाग गए होते हैं। आदमी अपने दोषों से ज्यादा दुखी नहीं है, वह दूसरे के दोषों को देख देख करके ज्यादा दुखी बना हुआ है। जबकि हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं वो सब हमारे दोषों के परिणाम में आते हैं। दूसरों के दोषों से हमें दुख नहीं मिलता, दूसरा गलती करेगा, अपना परिणाम वो खुद भोगेगा। अपने दोषों को देखें। ज्ञान की बातें जो सुनते हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं होती है, सुन करके मनन करने के लिए, आचरण करने के लिए होती है। गड़बड़ी यही हो रही है, हम केवल सुनते हैं, अधिक हुआ तो कह लेते हैं, सोचते हैं महात्मा लोग आए हैं, नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, देखो ये गांव वाले कितने लोग हैं, ये लोग हम लोग आए कुछ सुनने के लिए भी नहीं आए, तो चलो भैया थोड़ा बैठ लेते हैं ताकि महात्मा लोग समझे कि हाँ यहाँ के लोग अच्छे श्रद्धालु हैं, भगत हैं। दिखाने के लिए हम आते हैं, भगत कहलाने के लिए आते हैं, जीवन में परिवर्तन करने के लिए नहीं आते। इसीलिए वर्षों बीत गए ज्ञान की बातें सुनते सुनते, जीवन में जहां के तहां हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया। हम लोग भी हैं कि चलो भाई गांव में गए हैं, सत्संग में नहीं जाएंगे, कुछ सुनाएंगे नहीं, तो गांव वाले क्या कहेंगे कि महात्मा लोग खाली आए, खाए पिए, विदाई लिए और चल दिए, कुछ ज्ञान की बात सुनाए नहीं, तो चलो सुना देते हैं ताकि गांव वाले कहें कि हाँ महात्मा लोग अच्छे ज्ञान की बात सुनाएं, हम लोग इसलिए सुना देते हैं। ना हम आचरण कर पाए, ना आप आचरण कर पाए, इसलिए दोनों के दोनों दुखी बने। श्रोता भी दुखी है और प्रवक्ता भी दुखी है। वर्षों बीत गए सत्संग करते करते, वर्षों बीत गए पूजा करते करते, वर्षों बीत गए रामायण भागवत गीता की कथा कहते कहते, ज्ञान की कथा कहते कहते, जहां के तहां हम लोग पड़े हुए हैं। वही झूठ बोलने की आदत, वही धोखा देने की आदत, वही कलह करने की आदत, वही लड़ने झगड़ने की आदत, वही ईर्ष्या करने की आदत, वही काम क्रोध लोभ मोह मन के विकार। इतना ही नहीं, वर्षों बीत गए सत्संग करते, पूजा करते, पाठ करते, भक्ति करते, ज्ञान चर्चा करते करते, साधारण दोष बीड़ी नहीं छूटी, तंबाकू नहीं छूटा, तो कौन सा सत्संग, कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति,
सब दिखावा। इसीलिए आदमी जो दुनिया का भूषण है, दुनिया का सिरमौर प्राणी है, सबसे ज्यादा दुखी है। जितना दुखी आदमी दुनिया में है उतना दुखी कोई नहीं है, और दुख कोई दूसरा नहीं दे रहा है। इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है, कोई शैतान का दोष नहीं है, कोई देवी देवता का दोष नहीं है, कोई ग्रह लगन मुहूर्त का दोष नहीं। ग्रह लगन मुहूर्त भूत प्रेत तो केवल झूठे हैं, उनका भी दोष नहीं है। ग्रह क्या है? असली ग्रह जो हम लोगों को पकड़ा हुआ है, हम उसकी चिंता नहीं करते। आकाश में जो ग्रह हैं, जो निर्जीव हैं, जड़ हैं, कहते हैं कि ग्रह टेढ़ा हो गया है, ग्रह ने पकड़ लिया है। आकाश का ग्रह क्या टेढ़ा होगा? आकाश का ग्रह क्या पकड़ेगा? वो तो जहां है वहां है। ग्रह कौन है? जो पकड़ ले और छोड़े ना, वो ग्रह। वो ग्रह क्या है? हमारे मन के विकारी, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा करने की जो आदत है, यही ग्रह है। हम इनसे एक बार पकड़ गए हैं, अब छूट नहीं पा रहे हैं। और इन ग्रहों को दूर करने के लिए, इनकी पकड़ से छूटने के लिए कौन कितना उपाय कर रहा है, सोचते भी नहीं है। इन ग्रहों को तो हम सुख का साधन मान लिए हैं, समझते हैं यही जीवन है। कैसे होगा? भूत प्रेत आदमी को पकड़ लेते हैं और कहते भैया कि भूत बहुत परेशान कर रहा है, प्रेत बहुत परेशान कर रहा है। बाहर जो भूत प्रेत मानते वो काल्पनिक ही कहीं है ही नहीं, कहीं कोई ऐसा भूत नहीं है जो आपको पकड़ ले और आपको कुछ करे। कितने लोग कहते हैं कि भूत हमारे घर में आकर के ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, वैसा कर दिए, वो सब कल्पना है, भ्रांति, अज्ञान की उपज। उसको बुलाने के लिए बैगा ओझा सोखा के पास जाते हैं, झड़वाते हैं, फूंकवाते हैं और ठगाते हैं। तो बाहरी भूत के चक्कर में ना पड़ो, असली जो भूत प्रेत है वो तो अंदर है। अब उसको झड़वाने के लिए आदमी सोचता नहीं है, उसको समझता ही नहीं, तो झड़वाएगा क्या? वो भूत कौन? हर आदमी को भूत पकड़ा हुआ है। वो क्या है? साल भर पहले बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया था, 6 महीना पहले बहू ने ऐसा कहा था, 2 साल पहले पिता ने ऐसा कहा था, 3 महीना पहले सास ने ऐसा कहा था। बीती हुई जो बात है उसको लेकर के दुखी होते रहना, यही भूत पकड़ा हुआ है। और हर आदमी को ये भूत पकड़ कर रखा है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उन्होंने ये काम बिगाड़ दिया, उन्होंने ये काम बिगाड़ दिया। बीती हुई बातों को सोच सोच करके, याद कर करके आज भी आदमी राग द्वेष रूपी भूत का शिकार बना हुआ है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है, और समझ में नहीं आएगी तो इस भूत को दूर करना चाहिए। इसके लिए आदमी उपाय भी क्या करेगा? बीती हुई बातों को सोचते रहना और उनको लेकर के मन ही मन दुखी होते रहना, कलह करते रहना, कुड़ते रहना, ये असली भूत बाधा है। ये असली भूत का पकड़ लेना है, और यह भूत सबको पकड़ा है। बिरले बिरले लोग ऐसे हैं जो अपने को इस भूत से बचा करके रखते हैं, और वही सही अर्थों में सुखी होता है। 2 साल पहले हमारे दुश्मन ने हमारे लिए ऐसा किया था, 2 साल पहले बेटा मर गया है, अब उसको याद कर करके रो रहे हैं, ये भूत बाधा है। कितनी माताएं ऐसी होती है, कभी होते हैं कि किसी के घर में जवान बेटा की मृत्यु हो गई,
किशोर बेटे की मृत्यु हो गई, कब किसकी कौन मौत हो जाए कुछ पता तो नहीं है। तो कितने घर में देखेंगे गए, कितने माता को, कितने पिता को, कि जो बेटा मर गया है साल भर पहले, दो साल पहले, पांच साल पहले, दस साल पहले, उसको याद कर करके दुखी होते रहे, हमारा बेटा ऐसा योग्य था, हमारा बेटा ऐसा योग्य था, अरे छोटा बेटा ऐसा था, बोलता था टाए टाए बोलता था, उसको लेकर दुखी है। और जो बेटे जी रहे हैं उनसे बैर विरोध है, उनकी ठीक से सेवा नहीं है, उनसे कला है, उनसे मनमुटाव है, तो वो भूत बाधा है कि नहीं है? अब चाहे जितना भी रो, मरा हुआ बेटा जी नहीं सकता। जो बेटे जी रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। माता पिता मर गए, मरना तो सब दुनिया का नियम है, सबको मरना है, हमें भी दिन मर जाना है। अब माता पिता मर गए, हमारे पिता ऐसे थे, हमारे पिता ने हमारे लिए किया, कितने लोग इसको लोग दुखी रहते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो पिता जीवित हैं उनकी ठीक से सेवा नहीं करेंगे, सेवा करना तो दूर, घर में बूढ़े माता पिता बैठे हैं उनसे लोग बात नहीं करते, और बूढ़े पिता ने जवान बेटे से बहू से कुछ पूछ दिया, एक बार दो बार कुछ कह दिया, तो कहते हैं कौवे के समान क्यों काँव काँव करते रहते, चुपचाप बैठे नहीं रहते हो? बूढ़े माता पिता को कह देते हैं कि तुम कौवे के समान बकबक क्यों करते रहते हो, चुपचाप बैठे रहो, जो मिले खा लो, अनादर करते हैं। कैसा दुर्भाग्य आदमी बुद्धि को कैसा लकवा मार गया है। बेटे पिता ने, सास ने, माँ ने कुछ पूछा, कह दिया कि तुम कौवे समान क्यों 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 करते हो, चुपचाप बैठे रहो। और वही लोग जब पितर पक्ष में छप्पर पर कुछ फेंकते हैं और कौवा आकर खा ले, तो कहते हमारे पिताजी आते खाने के लिए, कौवा को पिता बना लेते हैं। ये आदमी को बुद्धि को लकवा मारना नहीं है। कौवा तो पिता हो गया, अब पिता कह दिए तुम कौवे समान बोलते हो। अरे बूढ़े माता पिता हैं, आदर से रखो उन्हें, जो बन सके उन्हें सेवा करो। एक दिन आपको भी बूढ़ा होना है और आपका बेटा तो आपको भी कौवा बनाएगा, इसको क्यों नहीं सोचते हो? अपने माता पिता का आदर करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो आपको ऐसा करते देख करके आपका बेटा भी आपकी सेवा करेगा। जो बहू अपने सास की, ससुर की सेवा करती है, लेकिन जब वो बूढ़ी होगी उसकी बहू आएगी तब उसकी बहू उसकी सेवा करेगी, नहीं तो क्या होगा? जो बहू अपने सास को बासी रोटी देती है, बासी भात देती है, उसकी बहू जब आएगी तो दो दिन की बासी रोटी देगी वो, तब कहेगी कि बहू कलजुगी निकल गई है। इस बात पर ध्यान दो। तो मैं कह रहा था कि भूत बाहर नहीं है, वो जो जिसे आप भूत मानते हो वो तो काल्पनिक है, असली भूत क्या है? बीती हुई बातों को ले लेकर के सोचते रहना, बीती हुई बीते में जो भूत में गलतियां हुई है उनको ले लेकर के आज भी कलह करते रहना, कल्पना करते रहना, दुखी होते रहना। आदमी अपना दुख खुद बनाता है। तो ज्ञान की बात हम ये समझ लें कि ज्ञान की बात कहना हमारा काम है, आप ये समझ लें कि ज्ञान की बात सुनना हमारा काम है, ना हम आचरण करते हैं ना आप आचरण करते हैं, तो दोनों के दोनों डूबे हुए हैं। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो आचरण करेगा उसका कल्याण होगा, जो आचरण करेगा उसका जीवन सुख से भरा पूरा होगा। सुख हर आदमी चाहता है, तो हमारी कीमत क्या है? हजार रुपए वाले में हमारी कीमत है, दो हजार रुपए वाले में है, या बीस हजार रुपए वाले में है? किसमें कीमत रखना चाहते हैं? अपनी कीमत अपने हाथों में है, अपनी इज्जत अपने हाथों में है, दूसरा कोई इज्जत थोड़ा देता है। उसका मन जैसा चाहेगा वैसा करेगा,
स्वयं हम गलत पगड़त करते जा रहे हैं, सुधार नहीं करते तो क्या करेगा। कितने भी हम ऊंची ऊंची ज्ञान की बात कह लें, कितने हम उसके डिंग बघाल लें, आचरण नहीं करेंगे तो काम नहीं आएगा। और आचरण करने में कठिनाई क्या है? अपनी बिगड़ी हुई आदत, हमारी जो गंदी आदत है हमें बहुत प्यारी लगती है, हम मेहनत नहीं करना चाहते। बिगड़ने में मेहनत कौन है? मेहनत तो सुधारने में है ना। गिरने में मेहनत कौन है? मेहनत तो है गिर करके उठ जाने में। पाप होने में मेहनत है, फेल होने में मेहनत थोड़े है। एक स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बच्चों ये बताओ सबसे सरल काम कौन सा काम है, सबसे सरल काम कौन सा काम है। बच्चे चक्कर में पड़ गए, सबसे सरल काम कौन काम बताएं। तो एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा गुरुजी मैं बताऊं। कहा हाँ बताओ। तो बच्चे का गुरुजी सबसे सरल काम है फेल होना, न पढ़ना न कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है उसमें, तो फेल होने में कौन परिश्रम करना पड़ेगा, फेल होने में कौन मेहनत है? मेहनत तो पाप होने में है ना। पाप होने के लिए, उसमें भी अच्छे नंबर से पाप होने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आदत को बिगाड़ लेने में कौन मेहनत है? फिसल करके गिर जाने में कौन मेहनत है? गाली बकने में कौन मेहनत है? मेहनत है दूसरे गाली सुन करके भी शांत रहने में। मेहनत है बिगड़ी हुई आदत को सुधार करने में। और यही वीरता का काम है। भूल हर किसी से हो जाती है, नहीं समझ पाया आदमी, आदत खराब है, अज्ञानवत हो गया, तो भूल हो गई। भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस भूल को स्वीकार करना और उसका सुधार कर लेना। हम लोग करते क्या है? हमसे जो कोई भूल हो जाती है तो हम उस भूल को स्वीकार नहीं कर पाते, और स्वीकार तो करते ही नहीं है। यहां जहां तक हम कोशिश करते हैं कि ये भूल सही सिद्ध हो जाए, अपनी भूल को सही सिद्ध करने के लिए हम तमाम तर्क युक्ति देने लग जाते हैं, फिर तो सुधार का रास्ता ही खत्म हो गया। सुधार का रास्ता यही है, अपने से भूल हो जाए तो उस भूल को स्वीकार कर लें, या तो खुद समझ लें या किसी ने बताया तो उसको स्वीकार कर लें, और स्वीकार करके उसको दूर करने के लिए, सुधारने के लिए मेहनत करें। सुधारते जाएं तो एक दिन हम पूरी तरह से अपने आप को भूलों से, गलतियों से, गलत आदतों से बचा सकते हैं। बड़ा कौन है, महापुरुष कौन है? जिन्होंने अपनी गलतियों से, अपनी भूलों से शिक्षा ली और समझ में बात आती गई कि ये गलती है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उन्हें छोड़ते चले गए। और जो बात समझ में आई कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, उन्हें करते चले गए। वे बड़े हो गए, वे महापुरुष हो गए। महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं, उनमें और हम में कोई मौलिक रूप में अंतर है क्या? जैसा हमारा शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, ऐसे महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं, गुरु पीर कहते हैं, उनका शरीर भी तो उन्हें मिट्टी पानी आग हवा से बना है। जैसे हमारे शरीर में खून है, पेशाब है, मांस है, हड्डी है, कफ है, थूक है, ऐसे जिन्हें महापुरुष कहते हैं, उनके शरीर में भी वही सब चीज लगी हुई है। जैसे हमारा आत्मा है, हमारा चेतन है, वैसे महापुरुष के आत्मा चेतन है, कोई फर्क तो नहीं है कहीं भी। पर अंतर क्यों हो गया? आदमी आदमी अंतर,
कोई हीरा कोई कंकर, ये क्यों हो गया? इसलिए कि हम भूल पर भूल करते जा रहे हैं, उन्हें सुधारने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, और वे भूल हुई समझ गए, उन्हें छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, और अच्छाई को सद्गुणों को ग्रहण करते गए और गलत पथ का त्याग करके सत्पथ पर वे चलते चले गए, उनका जीवन चमक गया, वे महापुरुष हो गए, संत हो गए, गुरु हो गए, पीर हो गए, कुछ भी उन्हें आप कह ले। तो उन्होंने जो ज्ञान की बातें सुनी, उसका मनन किया, आचरण किया, और उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई। हम मनन नहीं करते, अब मनन ही नहीं करते हैं तो आचरण कैसे करें? गलत बात जल्दी हमारे मन में घुसती है, अच्छी बात हम भूल जाते हैं, हमारा स्वभाव ही गलत हो गया, हमने अपने आप को बिगाड़ डाला है। इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं है, हम स्वयं ही दोषी हैं, और अपने इस दोष को हमें स्वयं ही समझना होगा और समझ करके दूर करना होगा। संत गुरु महात्मा इन ये हमें उपाय बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, इनके बताए रास्ते पर हमें स्वयं चलना होगा। हाँ, ये सब हम कह सकते थे, क्या कहें महाराज, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, कोई सही सीख देने वाला नहीं था, इसलिए हमसे भूल हो गई, हम गलत रास्ते पर चले गए। तो बात समझ में आती है क्या, भाई ठीक है, आदमी अनजान था, रास्ता जानता नहीं था, इसलिए गलत रास्ते पर चला गया। रास्ता बताने वाले हैं और चलकर दिखाने वाले भी हैं तो दोस्त हमारा है, हम कहीं जा रहे हैं, जाना जरूरी है, लेकिन जहां हमें जाना है वहां का ना हमें नाम पता है ना वहां का हमें रास्ता पता है। लोगों ने कहा देखो तुम्हें अमू जगह जाना है, हमने नाम सुन लिया, अब रास्ता मालूम नहीं है, अब रास्ता मालूम नहीं है तो किधर जाएं? थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा भैया मुझे अमुक जगह जाना है, कैसे जाऊं? तो कहता है देखो ऐसा करना, सीधे चले जाओ, एक फरलांग बाद दाएं तरफ एक पीपल का पेड़ है, उसके बगल से जो रास्ता गया हुआ है उसी रास्ते पर चले जाना, और जब आगे जाओगे आधा घंटा चलोगे तो बाएं तरफ एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर से सट करके रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते में चले जाना, फिर ऐसे ही तुम पहुंच जाओगे। हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं, विश्वास न करें सर करने लग जाए कि तुम्हारी बात सही गलत कैसे हो, तो फिर चल ही नहीं पाएंगे, उसकी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास करने पर भी संदेह होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरे साथ मजाक किया हो और मुझे गलत रास्ता बता दिया हो, चलते भी हैं और संदेह मन में बना भी रहता है, और लोगों से पूछते हैं, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ी दूर हम आगे बढ़े, एक दूसरा आदमी मिल गया, उससे हमने पूछा भैया मुझे अमुक जगह जाना है, कैसे जाऊं, किधर से जाऊं? वो कहता है अमुक जगह तुम्हें जाना है? हम कहते हाँ हाँ मुझे अमुक जगह जाना है, बहुत जरूरी है। तब वो कहते हैं ऐसा करो, जहां तुम जा रहे हो मैं भी वहीं जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलते आ जाओ, बस हम निश्चिंत हो गए, अब रास्ता पूछना नहीं है, संदेह खत्म, क्योंकि अब हमें करना क्या है, उसके पीछे पीछे ही जाना है। पीछे पीछे चलते रहें, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जो हमारी मंजिल है ना, संत महात्मा वहीं जा रहे हैं, दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, कुछ भी कह लो,
मनुष्य जीवन की मंजिल वही है, मनुष्य जीवन उसके लिए ही मिला हुआ है। रास्ता बताने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, ऐसा करना वैसा करना वैसा करने वाला, लेकिन संदेह बना रहता है। जो सच्चे संत होते हैं, चाहे वो किसी मत पंथ परंपरा के, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सच्चे संत होते हैं, उनका ज्ञान, उनका त्याग, उनका वैराग, उनकी रहनी वो आचरणीय होती है, उनका ही हमें आचरण करना होता है। तो जो सच्चे संत हैं, उनसे हम पूछते हैं कि मुझे अमुक जगह जाना है, मुझे ये करना है, कैसे चलूं। वो संत कहते हैं कि बेटा मेरे पीछे पीछे चलते आ जाओ, मैं वही जा रहा हूं जहां तुम जाना चाहते हो। हमें रास्ता बताने वाले भी हैं, बांह पकड़ाने वाले भी हैं, लेकिन हम खुद पकड़ना नहीं चाहते। इसलिए जिंदगी भर दुखी के दुखी ही बने रह जाते हैं। चाहते हैं कि दुख से छुटकारा हो, लेकिन चलना ही नहीं चाहते हैं, तो दुख से छुटकारा कैसे होगा। हम तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, गलत सोचकर, गलत बोलकर, गलत खाकर, गलत ढंग से व्यवहार करके, गलत ढंग से जी करके। अब कहते हैं क्या करें, भगवान हमारी तकदीर ही खराब कर दी है, भगवान को बैर है हमसे, आस्ते भगवान हमसे दुश्मनी मोड़ रहा ले रहा है। भगवान तो दयालु है, कृपालु है, वो हमारी तकदीर को खराब क्यों करेगा, हमारी तकदीर को बिगाड़ेगा क्यों। किसी भगवान हमारी तकदीर को नहीं बिगाड़ा है, किसी शैतान ने हमारी तकदीर को नहीं बिगाड़ा है, हमारी तकदीर को बिगाड़ने वाले हम स्वयं हैं। इसलिए अपनी असलियत को समझें, अपने से जो गलती हो रही है उसको भी समझें, और अपनी वास्तविकता को भी समझें, और समझ करके जब आचरण करने लग जाएंगे तो हमारी भी कीमत एकदम बढ़ जाएगी। कोई कीमत समझे या ना समझे, हम भीतर से पूर्ण आत्मसंतुष्ट रहेंगे। जीवन उसका ही सफल है जिसका मन पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण शांत है। अब बाहर की इच्छाएं खत्म है, दुनिया का जो सहज व्यवहार है, जो सहज कर्तव्य है, उसे तो जब तक जीवन है तब तक करना होगा। जब तक जीवन है तब तक व्यवहार लगा है। अब व्यवहार को कोई ये नहीं कहते संत को, एक व्यवहार का काम मत करो, जिस घर में रहते हो वहां का काम ना करो। काम करो, लेकिन काम करते करते ये सोचो, क्या यही मेरे जीवन का मुख्य काम है। मुख्य काम तो कुछ और है, उधर ध्यान दे। जैसे सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। हाथ से काम करो, हाथ से सेवा करो, जो बन सके सेवा, किसी को भी सेवा के काम में पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसी योग्यता हो, जैसा समय हो, जैसी शक्ति हो, जैसी आवश्यकता हो, पूरी तरह से डूब करके सेवा करें, उसमें कोताही ना बरतें, उसमें आलस्य ना करें। सेवा करेंगे आपको संतोष होगा कि जो मुझे करना चाहिए तो मैंने किया, और सेवा करने से औरों को भी प्रसन्नता होगी। सेवा पूरा करें, लेकिन काम करते हुए मन को राम में लगा करके रखें। राम ही असली धन है, लेकिन हमारा मन तो हर समय दुनिया के धंधे में ही डूबा रहता है, प्रपंच में डूबा रहता है। प्रपंच की बात सुनने में आदमी घबराता नहीं है, राम की बात सुनने में, ज्ञान की बात सुनने में जल्दी घबरा जाता है। तो काम करो, उसके लिए कौन मना करता है। वैराग्यवान से वैराग्यवान संत भी ये नहीं कहते कि लोगों को अपने व्यवहार का, कर्तव्य का, घर गृहस्थी का काम नहीं करना चाहिए। वो तो करो, लेकिन मन को उसी में डुबा करके मत रखो। मन को ऊपर थोड़ा उठाओ और मन को राम में लगाओ। राम ही हमारा अपना आपा है,
सब छूटेगा, लेकिन राम कभी छूटेगा नहीं, कभी छूट ही नहीं सकता। अपने आप को कैसे छोड़ेगा? राम हमसे अलग होता तो छूट जाता, लेकिन राम तो हमारा अपना आपा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं चाड़ो छाड़ो, गिरत पड़त चढ़ी ऊंचा। ये सारा संसार मैला है, गंदगी से भरा हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जा करके आप निर्भय और निश्चिंत होकर के बैठ सके। कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसमें पूरे की पूरी निश्चिंतता हो, निर्भयता हो। कोई ऐसा मिलन नहीं है जो स्थायी हो। हर मिलन का अंत वियोग में होता है, हर संबंध का अंत वियोग में होता है, और हर चीज छूटने वाली है। पवित्रता कहां है यहां पर? पवित्रता तो राम में है। थोड़ी सी असावधानी होती है, लोभ जगने लग जाता है। थोड़ी सी असावधानी होती है, मुंह बनने लग जाता है। थोड़ी सी असावधानी होती है, मन में बैर आ जाता है, कुटिलता आ जाती है, कपट आ जाता है, और मन गंदगी से भर जाता है। इसलिए जो जहां है अपने अपने ढंग से अपनी श्रेणी का काम पूरा करें, लेकिन सावधान रहें, मोह ना बनने पाए, बैर ना बनने पाए, ईर्षा द्वेष ना बनने पाए। अरे तब होगा जब मन को राम में लगाया जाएगा। ये सोचें कि आज कल में यहां से उठ करके चल देना होगा, ये कोई बड़ी गूढ़ बात नहीं है। अब ये कोई अब सुकून बात नहीं है, कह रहे यहां से छोड़कर चल देना हो जाएगा, मर जाना होगा। मरने का नाम सुनते ही आदमी एकदम घबरा जाता है। कितनी तकलीफ सहे आदमी, बिस्तर पर पड़ा होगा तो भी आदमी मरने का नाम सुनकर के घबराता है। लोग कहते हैं क्या करें, मौत भी नहीं आती है, मौत भी नहीं आती है, मौत आ जाती छुट्टी मिल जाती। लेकिन मौत आ जाती है तो आदमी घबरा जाता है। महात्मा लोग कहानी कहते हैं कि एक बूढ़ी माँ थी, 90 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी, एकदम जर्जर खाट पर ही पड़ी रहती थी। उसी खाट पर ही टट्टी पेशाब करना होता था, उसी खाट पर पड़े पड़े खाना पीना होता था। उठ बैठ नहीं पाती थी, अक्सर कहा करती थी, हे मौत महारानी तू कब आएगी, तू आ मुझे जल्दी से यहां से ले जा, बराबर कहा करती थी। एक दिन रात के 12 बजे के समय मौत आई, उसके पैताने पर बैठी, उसका पांव पकड़ी, पांव पकड़ी तो बूढ़ी माँ जाग गई। देखती भयंकर चेहरा वाला कोई स्त्री बैठी हुई है, पूछती है कि बहन तू कौन है, यह कैसे आई, क्यों आई? तो मौत ने कहा मैं मौत हूं, तू अक्सर मुझे बुलाती रहती थी कि मौत महारानी कब आएगी कब आएगी, तो आज आई हूं तुझे ले चलने के लिए, चल मेरे साथ तैयार हो जा। तो बूढ़ी माँ तो घबरा गई, एकदम कांप गई, और कांप कर कहने लगी कि बहन देखती ही हो मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, किसी काम लायक नहीं हूं, घर में जवान वान बहु बेटे हैं, उन लोगों को ले जा, मुझे ले जाकर क्या करेगी। ये कहानी है, मौत का ऐसी व्यक्ति नहीं जो आती है, मौत तो आना ही आना है, उसे घबराए ना, लेकिन ये सोचे कि एक दिन यहां से जाना ही जाना है। इसलिए दुनियादारी के राग रंग से प्रपंच से अपने मन को उठा करके राम में लगाएं। राम ही पवित्र है, वो राम बाहर नहीं है, अपना आपा है, उसमें जब मन लगाएंगे तो सब दुख खत्म हो जाएगा। तो आपके समक्ष मैंने थोड़ा निवेदन किया।